नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। 22 अप्रैल को सिवान लोकसभा सीट पर राजद से कैंडिडेट हीना साहब नामांकन करने जा रही हैं। इस बात की जानकारी राजद के सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी ने मीडिया से बातचीत में दी है। आपको बता दें कि हीना साहब के नामांकन के बाद एक जनसभा को भी आयोजित किया जाएगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। दरोगा प्रसाद राय ग्राउंड में इस जनसभा का आयोजन होगा। क्या कुछ कह रहे हैं अवध बिहारी, आप खुद सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है हीना साहब, इनका नामांकन 22 अप्रैल 2019 को होना निश्चित हुआ है और उसमें नामांकन कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी आ रहे हैं, साथ ही साथ जीतन राम मांझी जी हम के अध्यक्ष हैं और मुकेश सहनी जी जो सनक मलाह वीआईपी के जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी जो रालोसपा के अध्यक्ष हैं के साथ अन्य नेता लोग यहाँ आ रहे हैं। यह उन लोगों के आगमन के लिए प्रशासन से हम लोगों ने चिन्हित है प्रशासन के द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कौन कौन जगह है जिसमें लोग स्वीकृति लेंगे, प्रशासन के द्वारा मिलेगा तो जहां आम सभा होगी। तो हम लोगों ने दारोगा प्रसाद राय जो सूची में है उसी में हम लोग ये आम सभा हम लोगों के उसी में होगी, तो हमारे नेता वहीं पर आवेंगे और हीना साहब जो आरजेडी के कैंडिडेट है दरोगा राय कॉलेज से ही उसी रास्ते से अपने स्वयं और साथ में दो गाड़ी प्रत्याशी स्वयं और अपने प्रस्ताव के साथ नामांकन करने के लिए कलेक्टोरेट में जाएंगे और जितने लोग आवेंगे नेता के सुनने समझने के लिए तो तमाम लोगों के लिए स्थलपुर में मैंने कहा कि दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के परिसर में यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा, 11 बजे से, और अब जब तक मतलब वो चले तो हम लोगों ने तमाम लोगों से आग्रह किया है कि जो दिशा निर्देश हुआ है प्रशासन के द्वारा तो नामांकन में हम लोगों के साथ या जुलूस के रूप में कोई नहीं जाएगा। जो नेता राष्ट्रीय जनता दल अन्य जो हमारे महागठबंधन के नेता जो आ रहे हैं उन लोगों के सुनने के लिए जिनको आना होगा वह दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय जो चिन्हित है वहीं पर लोग आवेंगे, वहीं रहेंगे, नेता लोगों के भाषण को वहीं से लोग सुनेगा। यही आप लोगों के माध्यम से जो हम लोगों के संसदीय क्षेत्र है लीला है तमाम लोगों को हम लोग सूचना देने के लिए आप लोगों को हम लोग आमंत्रित किए हैं। मंत्री जी, कई जगह देखा जा रहा है कि जहाँ भी तेजस्वी प्रसाद गए हैं और भी नेता जहाँ गए हैं वहाँ पर कुव्यवस्था हो जाता है, लोग भगदड़ करने लगते हैं, ऐसे में मीडिया कवरेज में काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं,
इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? हम लोग अपने स्तर से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, हम लोग पूरे सजग हैं कि अपने लोगों को नियंत्रित में हम लोग रखें और अनुशासन में रख करके जो आने वाले बाहर के जो हम लोगों के राष्ट्रीय नेता हैं उन लोग अपना बात को बतला सकें और शांतिपूर्ण तरीक़ा से लोग सुन सकें, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी तरह का अनियंत्रित वह कार्यक्रम नहीं हो सके। कहा गया है कि जनसभा जो होगी सिवान में उसमें जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता उसमें मौजूद होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे। कविता सिंह है, जदयू की उम्मीदवार है, एनडीए की तरफ से ताल ठोक रही है सिवान लोकसभा सीट पर। उनसे मुकाबला है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 23 मई को जो नतीजे सामने आते हैं सिवान की जनता किस पर विश्वास जताती है। क्या हिना साहब को सांसद चुन करके संसद में भेजा जाता है या फिर कविता सिंह को लोग अपना विश्वास जताते हुए संसद में भेजने का काम करते हैं। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बिना देरी के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 40 लोकसभा सीट जो बिहार की हैं उसमें सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ लाइव सीरीज आपको दे रहा है। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।